अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिस टाइमली आपको मिलता रहे। तो फिर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की कौन सी हमारी रेसिपी है, वो चपली कबाब और कीमा हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ। मटर हम लोगों ने कीमा लिया है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम लोग जो सा डाले दादरी मिर्च, 1/2 ज़ायका हम लोग नमक मतलब डाल रहे हैं इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, बस हम तो 1/2 टेबल स्पून कह सकते हैं आप, ये हमने ऐड कर दी। और थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हम लोगों ने रखा है धनिया, हरी मिर्च हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, तो छोटे छोटे पीसेज हम लोगों ने इसको काट लिया है। और इसको भी हम शामिल करेंगे क्योंकि एज़ यू नो के चपली कबाब के ऊपर जो सा है वो टमाटर लगे हुए होते हैं, इसलिए टमाटर हम लोगों ने उसको ऊपर लगाने के रखा हुआ है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर आपके सामने जो से मज़ेदार चपली कबाब है वो तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो कटी हुई सब्जी है वो भी हम लोगों ने शामिल कर दी, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने चपली कबाब है बनाने हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो कैसे हम लोगों ने इसको राउंड शेप में लिया है और उसके बाद हमने इसको अच्छे से एक शेप दे दी है। और टमाटर हम लोग रखेंगे इसके ऊपर बाद में, इसको हम लोग फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमेजिंग साउंड। तो अब इसी तरह बाकी हम जो से कबाब है वो शामिल कर लेते हैं और उनको फ्राई कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए तो बहुत सॉफ्टली आपने काम करना है। अब इसको पलटना नहीं क्योंकि अभी ये कच्चा है, जो थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा तो फिर इसकी साइड को हम लोग चेंज करेंगे। तो अभी इसको हम पकने देते हैं और इसको धीमी आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा भी धीमी आंच पे नहीं पकाना, बस मतलब मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं ताकि जो सा कीमा है वो भी बन जाए आपका और जो सा है ये लगे भी ना कबाब और टूटे भी ना। तो अब हम वेट कर रहे हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं। जी तो फिर बस अब इसकी एक साइड जो सी है वो पक चुकी है, अब हम उसकी साइड चेंज कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने साइड चेंज कर लिया व्यूअर्स, इसी तरह बाकी टिक्कियाँ जो सी हैं वो हम लोग पका लेते हैं और फिर उनकी साइड चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज की जो सी हमारी रेसिपी है चपली कबाब फाइनल हो चुकी है और ये उसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार से जो सी ये कबाब है तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। बहुत ही ईजी है, बहुत ही हम लोग सिंपल से मसाले जो से हैं वो यूज़ किए हैं और चपली कबाब की रेसिपी जो सी वो अपने देखने वाले के साथ हमने शेयर की है। तो व्यूअर्स, अगर तक अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि ना सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। और इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें और हमारी नित नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।